हेलो एवरीवन, वेलकम. सो टुडे विल डिस्कस अबाउट द मेटल कार्बाइन्स. मेटल कार्बाइन्स और गैनोमेटेलिक का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो मेटल कार्बाइन्स में आते क्या क्या? हमारे पास फिशर कार्बाइन एंड शोर कार्बाइन. तो ठीक है, पहले हमें मेटल कार्बाइन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कार्बाइन क्या. तो यहाँ पे मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि कार्बाइन क्या होता है. जो कार्बाइन होता है, जो कार्बन होता है, उसके अंदर कार्बन के पास अब पता होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं. तो ये क्या करते हैं, 2 से बॉन्ड ना लेते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन से बच गए. तो इसी को हम बोलते हैं क्या, कार्बाइन बोलते हैं कि 2 से बॉन्ड ना ले, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए. तो जो कार्बिन होता है ना, ये दो टाइप का होता है हमारा, सिंगलेट कार्बिन एंड ट्रिपलेट कार्बिन. तो इन दोनों डिफरेंस क्या होता है, देखो इन दोनों डिफरेंस छोटा सा होता है बहुत ज्यादा. देखो कार्बन है, इसके पी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है. इसने यहाँ पे दो बॉन्ड बनाए हुए हैं. जो पी ऑर्बिटल्स आपको पता होगा, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. तो इसलिए मैंने इनको क्या दिखाया, परपेंडिकुलर दिखाया. तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये दोनों वाले इलेक्ट्रॉन्स सिंगलेट कार्बिन में दोनों एक ही ऑर्बिटल में होता है विद अपोजिट स्पिन. लेकिन जो ट्रिपलेट कार्बिन होता है, उसमें जो जो कार्बन होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपोजिट स्पिन में, सेम स्पिन में होते हैं लेकिन अपोजिट, मतलब दूसरे ऑर्बिटल में होते हैं, एक ऑर्बिटल में नहीं होते. तो यहाँ से अगर हम स्पिन निकालते हैं, तो देखो ऐसे होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, तो हम इसके लिए प्लस हाफ स्पिन लिखते हैं, और ऐसे होते हैं तो हम इसके लिखते हैं माइनस हाफ स्पिन. तो यहाँ से अगर हम स्पिन निकालते हैं तो क्या हो गया, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ कर दिया, क्योंकि हमने इसकी ऑर्बिटल की स्पिन है, मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पिन है जो अपोजिट है, तो यहाँ से हो गया जीरो. सिमिलरली अगर हम यहाँ से निकालते हैं स्पिन, तो एस कितना हो गया, देखो प्लस हाफ इसका, प्लस प्लस हाफ इसका, तो कितना हो गया, सिर्फ 1. तो यहाँ से अगर हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, 2s+1. तो एस की वैल्यू आप पुट करते हैं, तो 2 × 0+1 = 1. तो 1 आ गया, तो इसलिए ये सिंगल है, मतलब इसको हम सिंगल बोलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिंगलेट कार्बिन. ऐसे ही सिमिलरली अगर हम ट्रिपलेट कार्बिन में पुट करते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, तो 2 × 1+1 = 3. तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बिन, ठीक है. तो ये बेसिकली छोटा सा डिफरेंस था सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन में. अब हम देख लेते हैं हमारे फिशर कार्बिन और शोर कार्बिन, इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे, इसको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे दोनों को साथ साथ, ताकि आपको समझ आता रहे फिशर कार्बिन एंड शोर कार्बिन. तो देखो दोनों में पहले तो हम क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि दोनों के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं. देखो फिशर कार्बिन होता है, इसका एग्जाम्पल होता है यहाँ पे क्रोमियम है, यहाँ पे CO का हाफ लाइफ, डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे हमारे लगा हुआ OMe एंड फिनाइल, ठीक है. ये ग्रुप लगा हुआ हमारा, ये हमारा एग्जाम्पल फिशर कार्बिन का. और शोर कार्बिन के एग्जाम्पल के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे लगा होता है कोई भी बल्कि सा ग्रुप लगा दो, यहाँ पे हमारा मेटल लगा है डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे H और यहाँ पे C, ठीक है. तो ये हमारा एग्जाम्पल होता है किसका, शोर कार्बिन का. आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं कि इन दोनों में हमें पता कैसे लगा कि हमारा जो कार्बिन है वो फिशर कार्बिन है, शोर कार्बिन. देखो फिशर कार्बिन होता है जो, इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, इन वाले लिगेंड्स को बोलते हैं हम ऑक्सिलरी लिगेंड्स. तो जो ऑक्सिलरी लिगेंड्स होते हैं ना हमारे पास, जिसमें फिशर कार्बिन में, ये हमारे क्या होते हैं, हमारे पास सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर. देखो कोई भी लिगेंड होगा वो सिग्मा डोनर होगा हमेशा, वो ये बात मैंने आपको बताई थी, और मतलब कोऑर्डिनेशनल लेक्चर में बताई थी मैंने आपको कि कोई भी लिगेंड है वो क्या होगा, सिग्मा डोनर होगा पहले, उसके बाद पाई एक्सेप्टर होगा या पाई डोनर, जो भी है. तो सिग्मा डोनर तो सभी लिगेंड्स होते हैं, तो इसके लिए हमें क्या रखना है कि वो क्या होना चाहिए, पाई एक्सेप्टर होते हैं. मतलब एग्जाम्पल पाई एक्सेप्टर क्या क्या हो जाते हैं, जैसे सी हो गया, एनओ हो गया, सीएन हो गया, ये क्या है, पाई एक्सेप्टर्स है हमारे. सिमिलरली शोर कार्बिन होता है, तो इसमें जो ऑक्सिलरी लिगेंड्स होते हैं ये हमारे कैसे होने चाहिए, मतलब हम यहाँ पे बोलते हैं कि बल्कि होने चाहिए, बल्कि इन द सेंस ये बोल सकते हैं कि प्लस एच लगा दें, प्लस आई लगा दें, ठीक है. मतलब ये इसको डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, बेसिकली हम ये बोलते हैं कि बल्कि ग्रुप्स होने चाहिए, जो हमारे ऑक्सिलरी लिगेंड्स हैं ये बल्कि होने चाहिए, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट हमारे दोनों का ये हो गया डिफरेंस का. हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो सेकंड पॉइंट है इसमें वो क्या है, जो हमारे यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, ये वाले सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं इस साइड में. तो इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो कैसे होना चाहिए, जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं हमारे यहाँ पर, वो यहाँ पे होना चाहिए पाई डोनर होने चाहिए. ये मैं आपको बताऊंगी कैसे, ये हम क्यों लिख रहे हैं, पहला पॉइंट देख लो, ठीक है. जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, इसकी भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कैसे भी हो सकता है एनी टाइप ऑफ लिगेंड, मतलब बस पाई एक्सेप्टर, मतलब पाई एक्सेप्टर नहीं होना चाहिए, एनी टाइप ऑफ लिगेंड एक्सेप्ट पाई एक्सेप्टर, ठीक है. थर्ड पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं क्या, कि जो मेटल होगा, इसमें मेटल और कार्बिन का नेचर कैसा होगा. जो इसमें कार्बिन कार्बन होगा, मतलब ये वाला कार्बिन कार्बन, ये कैसे हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया. और इसमें जो कार्बिन कार्बन होगा वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, ठीक है. अब हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं, इसमें जो कार्बिन कार्बन होगा ना, ये कैसा होगा, कैसा नेचर होगा इसका, ये इलेक्ट्रोफिलिक होगा नेचर में. ये पॉइंट्स हैं, अभी डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों क्यों होता है, ठीक है. और जो यहाँ पे हमारा जो कार्बिन कार्बन होता है हमारा, ये क्या होता है हमारे पास, न्यूक्लियोफिलिक होता है नेचर में. फिर
इक्विपमेंट आता है जो यहाँ पे मेटल है उसका नेचर कैसा होना चाहिए, जो मेटल है वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, मतलब लेस देन इक्वल टू प्लस टू, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे मेटल है इक्विपमेंट मेटल होना चाहिए वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन प्लस टू। जो मेटल है यहाँ पे वो क्या है, मेटल इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, इलेक्ट्रॉन रिच है। और जो यहाँ पे मेटल है सिक्स पॉइंट, वो मेटल कैसा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। तो ये जो हमारे पॉइंट्स थे ये था फिशर और शो कार्बिन, हम समझ लेते हैं कि ऐसा ऐसा क्यों होता है। देखो पहला पॉइंट हमने फिशर कार्बिन में हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, देखो कैसे होता है। फिशर कार्बिन हमने कैसे बनाया, क्रोमियम है मतलब ये मेटल हो गया, इसके पास डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, इसने बॉन्ड बनाया, मान लो एक सी ओ ले लेते हैं हम, डबल बॉन्ड सी, ये कार्बिन वाला कार्बन है, यहाँ पे ओ एम ई और यहाँ पे है हमारा फिनाइल। देखो अब कैसे किया, देखो जो हमारा मेटल था मैंने आपको बोला था लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, इसका रीजन क्या, देखो मेटल अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तब जो उसमें डी में डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो ज्यादा होंगे, मोर होंगे, अगर मेटल कैसे में होगा लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स मैं ऐसे फील कर देती हूँ बहुत ज्यादा है, तो जो कोबाल्ट का पाई स्टार वाला ऑर्बिटल है, ये पाई स्टार कैसा होता है, इसका पैकेट होता है, तो क्या करेगा मेटल अपने पाई स्टार इसके अपने डी ऑर्बिटल से मतलब अपने पाई वाले ऑर्बिटल से इसमें डालेगा पाई स्टार में, तो ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा था कि है ये पाई एक्सेप्टर होना चाहिए हमारे पास जो हमारा ऑक्सिलरी लिक्विड से, ठीक है, तो ये इसको डोनेट कर देगा यहाँ पे, मतलब मेटल क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच होगा तभी तो इसको डोनेट कर पाएगा। अब मेटल इसको डोनेट कर देगा तो मेटल के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो मेटल अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करने के लिए क्या करता है, ये कार्बन कार्बन वाले कार्बन से ले लेता है। तो अगर ये कार्बन वाले कार्बन से ले रहे हैं तो कार्बन पे क्या आ गया, डेल पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब इसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो इसलिए मैंने बोला था जो कार्बन कार्बन होता है यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अब यहाँ पे आप बताओ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, देखो इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर सकता क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो यहाँ पे क्या करें, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो कैसे हो गया, जो कार्बन कार्बन हो गया इलेक्ट्रोफिलिक, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब इस ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, इसको कॉम्पनसेट करने के लिए क्या करेगा, जो ये ला सब्सिट्यूएंट पे है ये क्या पाई डोनर होना चाहिए, मैंने आपको बोला है, तो पाई डोनर होगा तो ये क्या करेगा, ये इसको दे देगा वापस से, तो ये क्या होगा, मतलब ओवरऑल जो इफेक्ट है वो कार्बन क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था वो ओवरऑल ठीक संभल जाएगा, क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है, पीछे से अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल गया मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि इसके अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेटस की, और यही हमने कंडीशन बोली थी कैसे होनी चाहिए, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए लो, ठीक है। तो ये तो एग्जांपल था इसका फिशर कार्बन का। अब हम देख लेते हैं शो कार्बन, देखो शो कार्बन भी बिल्कुल ऐसा ही है, देखो हमने एग्जांपल लिया था क्रोमियम, यहाँ पे हमने ग्रुप लगाए थे, ठीक है, ये तीन लगाए थे ऐसे ऐसे, डबल बॉन्ड सी एच एंड सी। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा मेटल है ये क्या है, हमारा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल, तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल होने से क्या होगा, जिसके डी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो निकल जाएंगे। अगर देखो एक हमारे पास है सोडियम और एक हमारे पास सोडियम प्लस है, मैं एग्जांपल लेकर चल रही हूँ, तो इसमें हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो गया, मतलब 10 हो गए। सिमिलरली ऐसे ही होता है, अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो जाती है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मतलब प्लस चार्ज ज्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स हमने उसमें से निकाल लिए। अगर इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकाले तो जो इसको डी ऑर्बिटल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं, तो इसको ये दे नहीं पाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, जो ये वाला ग्रुप होता है बल्कि लिगेंड है, तो यहां से ये क्या करेगा, प्लस एच या प्लस आई इफेक्ट लगा के ये इस वाले कार्बन को दे देगा, और ये वाला कार्बन क्या करेगा, इसके डी ऑर्बिटल जो वैकेंट है उसमें डाल देगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारा मेटल है वो तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया, और जो वाले ग्रुप थे ये बल्कि होना चाहिए, तभी तो ये इसको देगा अपने किसी भी मतलब इफेक्ट से, प्लस एच लगा लो प्लस आई लगा लो उससे देगा, ठीक है। और जो ये वाला मेटल अब ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन को दे देगा, तो ये कार्बन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन रिच हो गया इसको डेल नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है, डेल नेगेटिव साइन आ गया, मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया वाला कार्बन भी। अब देखो क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ये इलेक्ट्रोफाइल। अब सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, मतलब ये क्या हो गया, ये वाला जो कार्बन है ये न्यूक्लियोफिलिक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे लिगेंड से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ये लिगेंड कैसे हैं। तो बस यही था हमारा क्या, फिशर और श्रोक कार्बन। आई होप आपको समझ आ गया, और कुछ डाउट होता मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।